जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, अब हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज मल्टीनोमियल लॉजिस्टिक रिग्रेशन इन एसपीएसएस। और जाहिर आप इसे एसपीएसएस में अगर कर लेंगे तो फिर आपको इसका इसका मॉडल लिखना भी, इसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे लिखना है, और फर्दर भी आप उसको जिस तरह से यूटिलाइज करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। इससे पहले मैं आप लोगों को बाइनरी लॉजिस्टिक रिग्रेशन बता चुका हूँ, अगर आप लोगों ने वो अच्छे से वो वीडियो देखी हुई है और उसको परफॉर्म किया है तो फिर मल्टीनोमियल लॉजिस्टिक रिग्रेशन बहुत आसान हो जाता है आपके लिए समझने के लिए। सो इसी प्लेलिस्ट में जो वो पहले आपके पास वीडियोस अवेलेबल है उसको आप देख लें, और इसको देखने के बाद अगर आपको मुश्किल पेश आती है तो उन वीडियोज को भी आप अच्छे से देख लें तो आपका क्लियर हो जाएगा बाइनरी लॉजिस्टिक भी और मल्टीनोमियल लॉजिस्टिक भी। सो मल्टीनोमियल लॉजिस्टिक को समझने के लिए एक डेटा सेट, जैसे मैं आपको पहले भी बता सकता हूँ कि एसपीएसएस में कुछ डेटा सेट्स अवेलेबल होते हैं जिन्हें हम प्रैक्टिस पर्पसेस के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो फाइल में हम जहाँ पर हमने इसे इंस्टॉल किया होता है, जैसे मोस्टली हमने इसे सी ड्राइव पे रखा होता है एसपीएसएस को, तो आप एसपीएसएस जहाँ इंस्टॉल कर चुके हैं वहाँ जाए सी ड्राइव प्रोग्राम फाइल्स से आईबीएम एसपीएसएस statistics 20 and samples from here English। तो ये बहुत सारे डेटा सेट्स हैं जो आपके पास अवेलेबल हैं जिन्हें आप यूज कर सकते हैं। इनमें से मैं एक डेटा सेट ले लेता हूँ बैंक लोन बाइंडिंग, जिसमें मुझे पता है कि कुछ कैटेगोरिकल वेरिएबल्स अवेलेबल हैं जिन्हें मैं यूज कर सकता हूँ। सो बैंक लोन बाइंडिंग शायद आपसे शेयर खत्म हो गए, सो लेट मी शेयर इट। ओके, सो बैंक लोन डॉट बाइंडिंग का ये डेटा सेट है जो ओपन हो गया। इसके वेरिएबल व्यू में मैं आपको दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ। वेरिएबल व्यू में अगर आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि कुछ वेरिएबल्स ऐसे हैं जो कैटेगोरिकल हैं और कुछ वेरिएबल्स ऐसे हैं जो कैटेगोरिकल नहीं बल्कि कॉन्टिन्यूस है। एक बार तो फिर रिपीट कर दूं कि हमें ये अच्छे से पता है पहले से कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन उस वक्त अप्लाई होती है कि जब हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल कैटेगोरिकल होता है। डिपेंडेंट वेरिएबल कैटेगोरिकल होता है अगर डिपेंडेंट वेरिएबल की दो कैटेगरीज हो, अगर डिपेंडेंट वेरिएबल की दो कैटेगरीज हो तो फिर हम बाइनरी लॉजिस्टिक रिग्रेशन लगाते हैं, और अगर दो से ज्यादा कैटेगरीज हो तो मल्टीनोमियल लॉजिस्टिक रिग्रेशन की तरफ हम जाते हैं। सो बाइनरी लॉजिस्टिक रिग्रेशन पहले हम पढ़ चुके हैं इस सीरीज में, इस प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, और अब हम पढ़ रहे हैं मल्टीनोमियल लॉजिस्टिक। सो मल्टीनोमियल लॉजिस्टिक अप्लाई करने के लिए हमारे पास एक ऐसा कैटेगोरिकल वेरिएबल होना चाहिए जिसकी कैटेगरीज दो से ज्यादा हो। सो अगर हमारे पास ऐसा डिपेंडेंट वेरिएबल है जिसकी कैटेगरीज दो से ज्यादा है तो हम मल्टीनोमियल लॉजिस्टिक की तरफ मूव करते हैं। सो इस डेटा सेट में हमारे पास दो कैटेगोरिकल वेरिएबल नजर आ रहे हैं, एक एजुकेशन है। अगर आप एजुकेशन को चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसकी पांच कैटेगरीज है। नंबर वन, डू नॉट कंप्लीट हाई स्कूल, ऐसे लोग वन कैटेगरी में शामिल है जिन्होंने हाई स्कूल कंप्लीट नहीं किया। सेकंड, हाई स्कूल डिग्री। थर्ड, सम कॉलेज। फोर्थ कैटेगरी, फोर्थ नंबर जिनको हम दे रहे हैं वो ऐसे हैं जिन्होंने कॉलेज डिग्री कंप्लीट किया हुआ है, एंड सिमिलरली वी आर हैविंग द पोस्ट अंडर ग्रेजुएट डिग्री एट द नंबर 5। सो this is a categorical variable which is having the 5 categories, and this is also a categorical variable which is having the two categories 0 for no, 1 for yes. yani default kiya hai, bank default kiya hai to 1, agar bank default nahi kiya to 0. so agar hum ye dekhna chahte hain ki probabilities cheez ki find karna chahte hain, because main aapko pehle bata chuka hu phir ek bar ki binary logistic regression mein hum dekh chuke hain jo main purpose hai logistic regression ka वो ये है कि जिस कैटेगरी में आप इंटरेस्टेड हो उस कैटेगरी की प्रोबेबिलिटी फाइंड करना। जैसे अगर आप डिफॉल्ट वेरिएबल को एज ए डिपेंडेंट वेरिएबल यूज करोगे तो डिफॉल्ट वेरिएबल की दो कैटेगरीज हैं, यस एंड नो। तो आप सपोज इस चीज में इंटरेस्टेड हो कि अगर एक पर्सन है उसकी इनकम ये है, उसने डेट इतना लिया हुआ है, उसकी एजुकेशन ये है, उसकी एज ये है, तो उसने बैंक डिफॉल्ट किया है, इसकी क्या चांसेस होंगे कि उसने बैंक डिफॉल्ट किया है। तो इस चीज की चांसेस अगर आप फाइंड करना चाहते हैं तो आप बाइनरी लॉजिस्टिक रिग्रेशन यूज करेंगे, क्योंकि बाइनरी लॉजिस्टिक रिग्रेशन का पर्पस है चांसेस फाइंड करना ऑफ टू फाइंड द चांसेस ऑफ ए पर्टिकुलर कैटेगरी अमंग द टू। और इसकी मैं आपको बता भी चुका हूँ कि किस तरह से इसकी एप्लीकेशन है। सो नाउ वी आर इंटरेस्टेड इन द मल्टीनोमियल लॉजिस्टिक एंड हियर वी आर हैविंग अ वेरिएबल एजुकेशन। सो इसमें अगर मैं इस चीज इस वक्त मैं कॉन्सेप्ट ये डेवलप करता हूँ कि हम ये देखना चाहते हैं कि अगर
कोई पर्सन हम सिलेक्ट करते हैं और उसकी इनकम लेट सपोज अगर 50,000 है, उसने डेथ जो है उसके ऊपर जो 2 लाख सपोज डेथ है और क्रेडिट डेट उस पर जीरो है और अदर डेट्स भी उस पर जीरो है, तो अगर इस तरह की सिचुएशन होती है तो उस पर्सन की एजुकेशन कितनी हो सकती है? हमने एजुकेशन को एजुकेशन में उस पर्टिकुलर किसी पर्टिकुलर कैटेगरी को हम देखना चाहेंगे कि इस पर्टिकुलर कैटेगरी के उसकी एजुकेशन ये होने के कितने चांस है, मतलब उसने कॉलेज डिग्री की होगी इस चीज के कितने चांस है, या उसने कॉलेज कंप्लीट नहीं किया होगा इस चीज के कितने चांस है, यानी इन कैटेगरीज में किसी भी कैटेगरी के आप प्रोबेबिलिटी फाइंड करना चाह रहे हो तो आप वो फाइंड कर सकते हो, राइट? तो इन वेरिएबल्स को लेकर हम पॉलीनोमियल लॉजिस्टिक की तरफ मूव करेंगे, राइट? ओके, सो लेट्स हैव अ व्यू ऑन द डेटा, डेटा व्यू। तो डेटा व्यू में ये डेटा एंट्री है जी, एम्प्लॉय एजुकेशन हमारा यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल होगा जिसकी मैं कैटेगरीज आपको दिखा चुका हूँ, 5 कैटेगरीज है, इसको हम डिपेंडेंट वेरिएबल के तौर पर ट्रीट करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात यहाँ पर बता देना चाहता हूँ कि आपने इन सारी कैटेगरीज में से एक कैटेगरी को बेस कैटेगरी डिसाइड करना, एक कैटेगरी ऐसी होगी जो आप जिसको बेस कैटेगरी डिसाइड करोगे और फिर सारी कैटेगरीज को उसके साथ कंपेयर करोगे। मैं कहना ये चाहता हूं कि जिस तरह हम हमारे पास बाइनरी लॉजिस्टिक रिग्रेशन में 2 कैटेगरीज थी, अगर इसी एग्जांपल की बात करें तो डिफॉल्ट एंड नॉट डिफॉल्ट, आप अगर डिफॉल्ट में इंटरेस्टेड है 1 तो उसे आप देख रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू नॉट डिफॉल्ट, यानी एक कैटेगरी को दूसरी कैटेगरी के रिस्पेक्ट से। एजुकेशन में भी ऐसा ही है कि आप एक बेस ले लोगे और फिर सारी कैटेगरीज को उस बेस कैटेगरी के हिसाब से आप कंप्यूट करते चले जाओगे। ओके, तो ये काम हम किस तरह से करते हैं आपको मैं फर्दर आगे एक्सप्लेन करता हूँ। एनालाइज, एनालाइज में आप जाओगे रिग्रेशन पे, रिग्रेशन में मल्टीनोमियल लॉजिस्टिक, इस पर आप क्लिक करेंगे और मल्टीनोमियल लॉजिस्टिक से आप आगे की तरफ मूव करेंगे, राइट? सो स्टूडेंट्स यहां से आप डिपेंडेंट कैटेगरी को भी सिलेक्ट कर चुके हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल को भी सिलेक्ट कर चुके हैं जो एजुकेशन है, और इसके अलावा आपने कोवेरिएंट्स भी इंक्लूड किए, आप कैटेगोरिकल वेरिएबल को भी यहां पर इंक्लूड कर सकते हैं, दिस इज आल्सो एन ऑप्शन दैट यू कैन अडॉप्ट एट द मोमेंट, आई एम नॉट इंक्लूडिंग इट। सो फैक्टर वेरिएबल्स अगर आपके पास कुछ हो तो वो यहाँ पर आप शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ जो बटन है डिपेंडेंट कैटेगरी के बिलो, अगर आप इसे देखें तो यहाँ से आपको अपनी रेफरेंस कैटेगरी को डिफाइन करते हैं और ये यूजुअली लास्ट कैटेगरी बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट हुई होती है, यानी आपकी जो कैटेगोरिकल वेरिएबल जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसमें जो एजुकेशन में जो कैटेगरीज थी उनमें से जो लास्ट कैटेगरी है उसे एज रेफरेंस कैटेगरी यहाँ पर सिलेक्ट किया गया है, और अगर आप चाहेंगे तो फर्स्ट कैटेगरी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, तो इस यहाँ से इसे कंटिन्यू कर दें, आप रेफरेंस कैटेगरी लास्ट ही रहने दें। स्टैटिस्टिक्स में आप वो और चीजें जो यहाँ पर आप देखना चाहते हैं उनको आप यहाँ से सिलेक्ट कर लें, आई सजेस्ट प्रोटो आर स्क्वायर, स्टेप समरी, ओके, मॉडल फिटिंग क्राइटेरिया, इंफॉर्मेशन क्राइटेरिया, ओके, गुडनेस ऑफ फिट मॉडल ले लें, लाइक्लीहुड रेशियो, सो ये चीजें कुछ आपको मॉडल से रिलेटेड स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, ये मैं आपसे भारत आप इसमें इसको सिंपल करके भी देख सकते हैं, एनीवेज सो वी विल डिस्कस इट, इसको हम डिस्कस करें, तो यहाँ से ये चीजें सिलेक्ट करके आप कंटिन्यू कर दें और कंटिन्यू करके आप ओके प्रेस करेंगे तो आउटपुट स्क्रीन आएगा आपके सामने, प्रोबेबली आपको ये शेयर ना हो, सो लेट मी शेयर इट अगेन। ऑलराइट, सो दिस इज द आउटपुट स्क्रीन जिसमें आपके पास यहाँ पर सबसे पहले ओवरऑल डेटा समरी आ गया, कितनी वैल्यूज इसमें अवेलेबल है 50,000, उसके बाद आपके पास मॉडल फिटिंग इंफॉर्मेशन है, मॉडल फिटिंग इंफॉर्मेशन में जी तो स्टूडेंट्स मॉडल फिटिंग इंफॉर्मेशन में आपने आपको ये मॉडल फिटिंग इंफॉर्मेशन में ये वैल्यू इस वैल्यू को देखना है, ये इंटरसेप्ट ओनली और फाइनल मॉडल, यानी इंटरसेप्ट अगर आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स ना इंक्लूड करें
राइट आप सिर्फ इंटरसेप्ट के साथ चलें मॉडल को लेकर, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कोई भी इंक्लूड ना करें, तो ये टेबल आपको ये बता रहा है कि फाइनल मॉडल जिसमें आपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स इंक्लूड किए हैं वो सिग्निफिकेंट है, यानी यूजफुल है, वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स यहाँ पर आपको इंक्लूड करने चाहिए. सो यहाँ पर इससे आपको पता चल रहा है कि मॉडल, ओवरऑल मॉडल इज द सिग्निफिकेंट. Right, this is what you are testing over here. After that, you are having the goodness of fit of this model that is defined here in the chi-square. So, yahan par do different methods hai jo use kiye ja rahe hain. Ek Pearson method hai, jise hum Pearson method kehte hain, aur ek deviance method hai. ये मॉडल उस वक्त गुडनेस ऑफ फिट के मुताबिक गुड समझा जाता है जब सिग्निफिकेंट वैल्यू जो है ये 0.05 से ज्यादा हो, कम ना हो बल्कि ज्यादा हो. यानी यहाँ पर अगर आपकी ये वैल्यू 0.05 से अबव है, जो कि हमारा आमतौर पे थ्रेशोल्ड 5% में हम रखते हैं, तो 0.05 से अगर ज्यादा है तो इसका मतलब है कि मॉडल गुड फिट है, राइट. और अगर ये 0.05 से कम होगी तो इसका मतलब है मॉडल गुड फिट नहीं है, राइट. सो यहां से आप गुडनेस ऑफ फिट देखते हैं मॉडल की. सो फिलहाल ये इंडिकेट कर रहे हैं कि मॉडल गुड फिट है. ये आर स्क्वायर है, तीन किस्म के आपको सूडो आर स्क्वायर यहाँ पर दिए जाते हैं, कॉक्स एंड स्नेल एंड मैकफेडन आर स्क्वायर. और इनकी इंटरप्रिटेशन आपको जो लिटरेचर में बताई गई है आमतौर पे वो बड़ी जो है वो इसमें आप इस तरह से कह लें कॉशंस के साथ या इसको एहतियात के साथ बताया जाता है. यानी इसको हम उस तरह से आर स्क्वायर को इंटरप्रेट नहीं कर सकते जिस तरह के हम आमतौर पे आर स्क्वायर को इंटरप्रेट करते हैं, राइट. सो यहाँ से आप आइडिया लेंगे सिर्फ कि आर स्क्वायर आपको क्या बता रहे हैं, क्या इंडिकेशन दे रहे हैं, तो उसको उसी तरह से आप किसी हद तक समझ लीजिए कि बहुत ज्यादा हाई आर स्क्वायर नहीं है यहाँ पर, राइट. सो इसके बारे में बस आपको मेरा ख्याल है इतना ही कह देना चाहिए, हेयर द आर स्क्वायर सूडो आर स्क्वायर जो ये है दीज आर नॉट वेरी हाई और दीज आर हाई, इतना कहना यहाँ पर काफी होगा. यहाँ पर आप इंडिविजुअल वेरिएबल्स के सिग्निफिकेंस आपको बताई जा रही है जो लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट में आप देखें, इनकम इज सिग्निफिकेंट बट रेस्ट ऑफ द थ्री वेरिएबल्स आर इनसिग्निफिकेंट. सो as we are comparing it with 0.05, so if this is less than 0.05, we are saying this is significant, and if this is greater than 0.05, we are saying these are not significant variables, so we may exclude it from the model, right. So let's move forward at the next table. Next table pe स्टूडेंट्स ये एक डिफरेंट टेबल है, मेरा ख्याल है कि जो आपको मल्टीनोमियल लॉजिस्टिक में एक डिफरेंट स्टाइल में दिया गया है. अगर आप बाकी सारी कैटेगरीज यानी ये जो बॉक्सेस आपको रोज नजर आ रही है 1, 2, 3, 4 इनको इग्नोर करें और मैं आपसे कहूँ सिर्फ फर्स्ट वाली को कंसिडर करें, रेस्ट फीफिल वक्त आप कंसिडर ना करें, तो आप पहली को बाइनरी लॉजिस्टिक रिग्रेशन समझें. पहले बॉक्स को इसमें डू नॉट कंप्लीट हाई स्कूल ये कैटेगरी है, और जो रेफरेंस कैटेगरी आपने ली है आपको याद है वो लास्ट कैटेगरी थी जो यहाँ पर दी गई है, पोस्ट अंडर ग्रेजुएट डिग्री. आप समझे एक कैटेगरी ये है डिड नॉट कंप्लीट हाई स्कूल और दूसरी कैटेगरी ये है. आई एम श्योर आपने बाइनरी लॉजिस्टिक रिग्रेशन की वीडियो